Hello friends. इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और यहाँ पर कल की डेट में देखिए यहाँ पर तीन वीडियोस यहाँ पर बनाई गई थी विंडलास की बात करें तो देखिये कल की डेट में यहाँ पर आज की डेट में लगभग तीन परसेंट यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दिया मैंने यहाँ पर बायोन डिप्स किया है तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा मैंने पहले भी यहाँ पर शेयर लिए थे डाउन गया था फिर यहाँ पर बायोन डिप्स यहाँ पर करता हुआ नजर आया और अगर हम कल की बात करें तो ये आज की बात करें तो देखिये यहाँ पर एस बी आई कार्ड भागता हुआ दिखाई दिया ऐसे सिक्योरिटीज यहाँ भागता हुआ दिखाई दिया आई एक्स भागता हुआ दिखाई दिया कार्ड ट्रेड यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है कैम्स पर भागता हुआ दिखाई दिया इसके अलावा हम बात करें निपॉन लाइफ एम सी ये भागता हुआ दिखाई दिया तो ये सारे के सारे शेयर भागेंगे थोड़ा सा पेशेंट का वेट है बस आ, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जानेंगे और पर्टिकुलर स्टॉक्स में सॉरी हम बात करेंगे यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड और आईपीओ में हमने आ, अगर हम आपने जैसे कि डिस्क्रिप्शन में देखा ही है डायनेमिक सर्विस एंड सिक्योरिटी लिमिटेड इसका एक आईपीओ आया है और यहाँ पर देखे तो इनके जो फाइनेंशियल्स है ना बहुत बड़ी जंप इसमें फाइनेंशियल में नजर आई

तो इससे क्या रहता है क्योंकि बिजनेस मॉडल के बेसिस पर ही आप अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट करते हैं अगर आप यहाँ पर ट्रेडर है तो तो ऑब्वियसली बात है वहां पर उसमें वॉलिटिलिटी ही डिपेंड करती है यहाँ पर बिजनेस मॉडल नहीं फिर तो फाइनेंशियल डिपेंड करतेडर है तो, तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल इसका बिजनेस मॉडल एज वेल well एज यहाँ पर कंपनी का मूवमेंट ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है तो हम अगर बात करें डायनामिक सर्विस एंड सिक्योरिटी लिमिटेड सबसे पहले तो ये एस एम है एस एम क्या होता है उसके लिए अगर आपको जानने है तो यहां पर आप हमारे यहां पर सर्च इंजन में जाइएगा और डालिएगा वहां पर वॉट इज एस एम ई आई पी ओ और पीछे लिख दीजिएगा इन्वेस्ट फॉर एवर तो आपको एक यहाँ पर वीडियोज निकल के आएगी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वॉट इज एस एम ई आई पी ओ दो महीने पहले यहाँ पर आपको समझाया एस एम ई आई पी ओ और मेन बोर्ड आई पी ओ इसके बीच का अंतर क्या होता है वो आपको पता चल जाएगी बट इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तो एस एम ई आई पी ओ वो आई पी ओ होता है एस एम ई का मतलब है एस मीन स्मॉल एम मीन्स मीडियम ई का मतलब है इंटरप्राइजेज स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मतलब ऐसी छोटी कंपनियां जो कि मार्केट में जो कि बैंक से उन्हें लोन नहीं मिल पा

ओके okay, स्टार्टअप इनका चल गया कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म करना शुरू करी तो यहां पर अच्छा खासा परफॉर्म ये शेयर भागेगा आपको आपको माला माल कर देगा अदरवाइज वो आपको डुबाता हुआ भी नजर आएगा तो ये कंपनी आपको माला माल करेगी कि नहीं करेगी उससे रिलेटेड बातें करेंगे सबसे पहले यहां पर बिजनेस मॉडल समझे तो इनकोपरेटिव दो हजार सोलह में यहाँ पर ये यह कंपनी आती हुई दिखाई दी है डायनामिक सर्विस एंड सिक्योरिटी लिमिटेड ऑफर्स मैन पावर सोल्यूशन सर्विस इन द फील्ड ऑफ क्लीनिंग कैटरिंग हाउसिंग

प्रोमोटर्स की बात करें जुगल किशोर भगत रेखा भगत मिसेज देवी भगत ये इनके प्रमोटर्स है फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर को जरूर देखिएगा पर देखिए यहाँ पर टोटल का रेवेन्यू है सॉरी यहाँ पर तो यहाँ पर देखें तो देखिए फोर करोड़ इसके बाद पर देखिए 4.34 मिलियन इसके बाद 4.65 इसके बाद बात करें सिक्स थ्री मिलियन तो कंपनी देखिए यहां पर अगर हम देखें तो एक सडन यहां पर स्पाइक है और थोड़ी बहुत स्पाइक नहीं है बहुत बड़ी यहां पर स्पाइक है पहली बार तो ये स्पाइक टेम्परेली भी हो सकती है ओके और जब टेम्परेली कुछ चीज़ होती है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर घबराना चाहिए इस चीज को याद रखिएगा अगर इस तरीके के यहाँ पर देख रहे तो देखिए दो हजार उन्नीस दो हजार बीस में नॉर्मल मतलब जंप था रेवेन्यू में ओके जंप था यहाँ पर प्रॉफिट में बट इतना जंप नहीं था जितना यहाँ पर अभी दिखा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होकर यहाँ पर थोड़ा सा सोचिएगा उस वे में यहाँ पर लीजिएगा इस कंपनी को कि एक साथ यहाँ पर रेवेन्यू तो यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है रीजन ये हो सकता है कि दो में अनलॉकिंग हुई दो में बहुत अच्छे यहाँ पर छटनी थी मतलब बात करें बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर जाती हुई दिखाई दी तो जॉब्स पर यहाँ पर दोबारा लाने के लिए थर्ड पार्टी को एक बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर अप्रोच कर दी है तो यहाँ पर इस कंपनी ने एक साथ ही बहुत सारे एम्प्लॉयज की भर्ती करी होगी ओके यहाँ पर अलग अलग कंपनी को मैन पावर दी होगी तो इसलिए यहाँ पर उनका ज्यादा रेवेन्यू हुआ होगा जो की हमेशा नहीं रहने वाला तो एक रीजन ये हो सकता है दिस कुड बी द रीजन अगर बात करें प्रॉफिट यहाँ पर जो पॉइंट और पॉइंट मिलियन से रूपीज था वो यहाँ पर टेन मतलब यहाँ पर देखे तो बहुत बड़ी जंप यहाँ पर होती हुई दिखाई दी तो थोड़ी सी यहाँ पर

और काफी लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा ओके वो सोच रहे होंगे तो उन्हें एक क्लियर पिक्चर अकॉर्डिंग टू मी मेरे रिव्यू के हिसाब से उन्हें एक मिलता हुआ नजर आएगा इशू टाइप की बात करें फिक्स प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर में फिक्स प्राइस होता है फिक्स प्राइस का मतलब क्या है फिफ्टी वन रुपीज पर इक्विटी शेयर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा अगर यहाँ पर बुक बिल्डिंग होता तो यहाँ पर दो प्राइस होते हैं जैसे नॉर्मल आईपीओ में होते हैं जैसे कि अभी आदित्य बिरला ए का आया था तो उसमें सिक्स नाइनटी इस तरीके से यहाँ पर दो प्राइस थे और टेन रुपीज

एसएमई आईपीओ एनएससी या अबीएससी पे लिस्ट होते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर एनएससी पे हो रहा था मतलब एनएससी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के सर्विलेंस की तरह काम करता हुआ नजर आएगा सारा इशू यहाँ पर फ्रेश इशू है कोई भी यहाँ पर ओ एक पॉजिटिव नहीं है तो, एक तो करोड़ रुपीस का यहाँ पर यहाँ पर अगर बात करें ये पूरा ट्वेंटीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको बताया था कि पच्चीस करोड़ के आसपास का ही यहाँ पर मैक्सिमम आईपीओ हो सकता है इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डिटेल से रिलेटेड बात करें तो देखिए तीस तारीख को ओपन हुआ था कल यहाँ पर लास्ट डेट है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर यहाँ पर आपको मिलेगा तो आठ तारीख पता चल जाएगी नहीं मिलेगा ग्यारह तारीख को आपको फंड को इनिशिएट किया जाएगा ओके उसके दो कुछ दिनों बाद यहाँ पर आपको फंड मिल जाएगा क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें बारह तारीख को यहाँ पर आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तेरह तारीख को ये लिस्ट होता हुआ भी दिखाई दे देगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा जो की एक लाख दो हजार रुपये के लगभग का है और यहाँ पर अभी बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है सेवन फोर सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो टू परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर्स की है और अभी इसके बाद कितने हो जाएगी तो इसके बाद फोर्टी एट पॉइंट वन वन परसेंट की होगी तो यहां पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि इन्होंने ये चीज दे रखी है ये चीज अगर दे रखी है तो फिर यहाँ पर ये सारा का सारा फ्रेश इशू नहीं हुआ ये सारा का सारा कौन सा इशू हुआ ये सारा का सारा आई थिंक यहाँ पर आ, कुछ पार्ट यहाँ पर ओ के थ्रू भी जा सकता है तो ये, ये OFS भी हो सकता है कुछ यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन भी यहां पर शेयर की गई अब यहाँ पर बात करते हैं जीएमपी की तो देखिए यहाँ पर जीएमपी की बात करें तो ये जो जितने भी मैंने अभी तक देखे है एस एम ए में पो उसमें जीएमपी यहाँ पर दिखाते ही नहीं है क्योंकि ये रिस्की होते हैं तो यहाँ पर ज्यादा क्योंकि जीएमपी कभी भी दिखाता है तो वो प्राइमरी मार्केट में जो डब्बा मार्केट

यहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स की बात करें तो देखें यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे बट हम यहाँ पर देखे। तो देखें तो देखिए इस कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है की दो करोड़ रुपए के आसपास की है बट बोरिंग की बात करें तो लगभग उनचास करोड़ की कम है कम करिए बोरिंग बट स्टिल यहाँ पर पचास करोड़ के आसपास की बोरिंग है जिस वजह से यहाँ पर देखिए कंपनी का सेल्स तो ज्यादा नहीं होती बट यहाँ पर बोरिंग की बात करें तो कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा पे कर देगी तो अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे कर देगी हर बार अच्छा सेल्स हो यह जरूरी नहीं है तो इस चीज को भी आपको ध्यान में देना होगा वरना अदरवाइज आप यहाँ पर फंस सकते हैं बाकी मेरी तरफ से ये कोई अच्छा खासा मुझे आईपीओ नजर नहीं आ रहा हमने कल की डेट में यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड बातें करी थी यहाँ पर थोड़ा सा दम भी लग रहा था बट यहाँ पर इस आईपीओ से रिलेटेड बातें करूँ यहाँ पर कोई दम नहीं लग रहा अगर मार्केट में आपको इसी तरीके का बिजनेस मॉडल चाहिए तो आई थिंक यहाँ पर मार्केट में आ, आ, अगर बात करें टीम लीज यहाँ पर एक पर्टिकुलर शेयर है ये मार्केट में लिस्ट भी है और ये मेन बोर्ड आईपीओ भी है और ये शेयर अच्छा खासा भागा भी है तो इस शेयर की तरफ देख सकते हैं ये सेम पर्टिकुलर इसी बिजनेस में काम करता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर देख लीजिए बस अदरवाइज यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए और इस तरीके के आईपीओ मिल जाते हैं अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको 100 परसेंट मिल जाएगा क्योंकि 50 परसेंट रिटेलर्स के लिए फिफ्टी परसेंट नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर रखा गया है तो सारा का सारा यहाँ पर ऑलरेडी फिल हो चुका है तो मैंने यहाँ पर देखा भी है तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये शायद आईपीओ मिल जाएगा और फिर आप एक ट्रैप की फंस सकते हैं तो मेरी तरफ से ना है आप बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कोई पोजिशन लीजिएगा आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि देख लीजिएगा कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा हाँ तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहे आपको राय मिलती रहे कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा और बाकी हमारी सर्विसेज के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस